नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है पितर पक्ष में क्या नवरात्रि तैयारी कर सकते हैं या नहीं, नवरात्रि व्रत के लिए पूजा सामग्री खरीद सकते हैं या नहीं। देखिए दोस्तों, खरीददारी दो प्रकार की होती है। एक हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खरीददारी करते हैं, दूसरे किसी फंक्शन के लिए, किसी उत्सव के लिए खरीददारी करते हैं। एक खरीददारी होती है पूजा सामग्री, जो कि हम देवी देवताओं के निमित्त खरीदते हैं, उनके पूजा पाठ के लिए खरीदते हैं। एक खरीददारी होती है पूजा सामग्री की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मार्कंडेय पुराण के अनुसार, देवी देवताओं का स्थान पितरों से ऊपर होता है। अगर देवी देवताओं के निमित्त कोई भी पूजा सामग्री खरीद ली जाती है और उनकी पूजा पाठ की जाती है तो अत्यंत शुभ फलदायी होगी। अगर आप पितर पक्ष में नवरात्रि संबंधित कोई भी पूजा सामग्री खरीदना चाहते हैं और आपका मन है और आपको डर लगता है कि पितर पक्ष में खरीददारी करें या ना करें, तो आप इस डर को अपने मन से निकाल दें और बेफिक्र होकर पूजा सामग्री खरीद लें। पितर पक्ष में पूजा सामग्री खरीदने से पूर्वजों और देवी माँ का दोनों का ही आशीर्वाद आपको मिलता है, इसलिए आप पितर पक्ष में पूजा सामग्री निसंकोच खरीद सकते हैं, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। इसलिए आप पितर पक्ष में पूजा सामग्री खरीद सकते हैं। अगर आप अमावस्या के दिन खरीदने जाएंगे तो उस वक्त बाजार में भीड़ होगी और आपसे कोई ना कोई सामान जरूर छूट जाएगा। इसलिए आप नवरात्रे शुरू होने से पहले खरीददारी कर सकते हैं, यानी कि पितर पक्ष में खरीददारी कर सकते हैं। परंतु खरीददारी करने के कुछ नियम हैं, अगर आप उन नियमों का पालन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जब भी आप पितर पक्ष में पूजा सामग्री खरीदने जाएं तो 2 बजे के बाद जाएं और पितरों के नाम से कुछ रुपये पैसे जरूरतमंद को भी जरूर दें। नवरात्रि में पूजा का सामान खरीदने से पहले चांदी का कोई ना कोई सामान जरूर खरीद लेना चाहिए। उसके बाद आप पूजा सामग्री खरीद सकते हैं, श्रृंगार का सामान भी खरीद सकते हैं। उसके बाद आप मैया के लिए वस्त्र, चुनरी सब आप खरीद सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।